कमोबेश ये पहला मौका होगा जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनसे पूछताछ तो होनी चाहिए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं से पूछताछ करती है। क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं? क्या उनके पास अब कुछ संपत्ति नहीं है? लिहाजा कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो पक्षपातपूर्ण नजर आती है। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हिमायत में दिया गया ये बयान बहुत ही राजनीतिक तौर पर मानी खेस नजर आता है। आप भी सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहली बात हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी दोषी हैं तो सवाल जवाब हो, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं मतलब पूर्वाग बायस होकर काम कर रही है। अगर आपका अनुमान बात किया जाए तो हजारीबाग, धनबाद ऐसे बहुत सारे एनडीए के सांसद हैं जिनका संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ से अधिक, तो ईडी उनके घर ना जाती है ना उनके तो सवाल जवाब करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए संकेत चिन्ह है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री अगर दोषी है तो उनकी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि इस राज्य में बाकी जो लोग हैं जो विपक्ष में फिलहाल है भारतीय जनता पार्टी में, उनके पास कई गुना अकूत राशि है। तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनको स्वतंत्र होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से जो मेरी आयु है अल्प आयु उसके हिसाब से मुझे कोई ठीक नहीं लगता है। बाकी मुख्यमंत्री अगर दोषी है ईडी जाए उनके घर, उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लिस्ट लीडर है उनके भी घर जाए, अर्जुन मुंडा के भी घर जाए, वो भी केंद्रीय मंत्री है, ईडी उनके भी घर जाए, नमन सिंह के साथ अर्जुन मुंडा के भी घर ईडी जाए, तभी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक इस ढांचा जो है उस पर जनता का विश्वास है। ये खबरें भी हैं कि आप लोग कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमाएंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग सीटें नहीं जीत पाए, आपको नहीं लगता इसका सीधा इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? आप लोगों का मोराल डाउन हो जाएगा कहीं ना कहीं वो जो आउटकम रिजल्ट नहीं आया तो? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग कभी हवा हवाई बात किए नहीं कि अब की बार 70-62 बार की हमारी नई शुरुआत है, लेकिन हम लोग युवते हैं, जोश से लबरेज है, ऊर्जा से लबरेज है, और अगर हमारी उम्मीद के विपरीत अगर परिणाम आता है तो हम लोग और दुगनी रफ्तार के साथ मेहनत करेंगे और दुगना संघर्ष करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अगर चुनाव के नतीजे हमारे विपरीत भी आएंगे तो हमारे मनो की स्थिति में या फिर हमारे हौसले में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हम लोग दुगनी हौसलों के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो हमारे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पक्ष में ही आए। इन फ्यूचर ये हम कभी माने कि कभी जेपी केएसएस जो है या एनडीए के पक्ष में या यूपीए या इंडिया के पक्ष में जा सकता है, कभी ऐसा फ्लेक्सिबल होंगे कि कभी आप किसी एक खेमे में जाकर के चिपक जाए वहां पर? नहीं, देखिए ये एक रायशुमारी से होगा, क्योंकि आज जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया है, लोग एक दूसरे से काफी कनेक्ट हो गए, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने का रहेगा राज्य की स्थिति को अस्थिर करने के लिए, तो हम लोग इस पर जब भी निर्णय करेंगे तो चर्चा करने के बाद ही करें। हम आपसे बता रहे हैं यहाँ लोगों का मेरा कहना था, देखिए बात करते हैं और यहाँ के लोगों को सेंट्रल कमेटी में हर वापसी की आप बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो वक्त रहा आंदोलन से शुरू हुआ सब कुछ, उसके बाद फिर समिति बनी, अपनी पार्टी बनाई, मोर्चा बनाया, वापस से जो जेबी केसेस, तो लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हमने आपने सुना, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके बीच स्पष्ट किया कि हमारी वैचारिक बात हमेशा कायम रही है और एक दूसरे के संपर्क में हम लोग लगातार है, चूंकि इस राज्य के बचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, तो राज्य के निर्णय के लिए हम लोगों को बहुत ऐसी बातें होती है जो पर्दे के पीछे रखनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उसी का एक बड़ा सा ये पहलू है कि हमने JKMM का संगठन बनाने का काम किया, उसके माध्यम से अपने लोगों के बीच में हमने गया, हमने हमारे जितने भी हमारे लोग थे सारे लोगों ने योगदान को दिया है, और हमारे मुस्लिम बड़ा वर्ग है पूरे राज्य में, उनके बीच में गया और असल हकीकत क्या है राज्य की, राज्य के गठन का उद्देश्य क्या था और किन शर्तों के साथ में राज्य का विभाजन हुआ था और हमारे दिशा का क्या सपना था, हमारे विनोद तिहारी महतो का क्या सपना था, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने एक एक गाँव के अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम किया है। और आज फिर पूरा जब हमें लगा कि हमारी शक्ति बड़े हद पे आ चुका है, लोकसभा चुनाव लड़ने की जो आप लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो आप लोग का इनिशिएटिव है, पहले ही जो है एमपी चुनाव में आप लोग कदम रख रहे हैं, बता रहे हैं कि लगभग 5 सीट पे आप लोग लड़ेंगे, तो कितना मुश्किल लग रहा है आपको लोकसभा का जो ये चैलेंज है, बड़ी बड़ी पार्टियां सामने हैं, आप अल्पसंख्यक वोट की बात जो है कह रहे हैं, तो क्या समझ में आया आप विधानसभा घूम रहे हैं?
झारखंड को लंबा लंबा आपने घूमा, क्या लगा आपको, क्या माहौल क्या है? देखिए पूरा पूरा झारखंड बदलाव की ओर है और बदलाव के लिए विकल्प तलाश, झारखंड की जनता के बीच में विकल्प नहीं था। जयराम महतो और उनकी पूरी टीम को उन्होंने जो आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद को दिया है, युवा से नवाजने का काम किया, सराहनीय है। और हम लोग गांव के अंतिम व्यक्ति तक गए, सबों का कहना है कि राज्य को हम लोग रोककर बदलेंगे और राज्य को उसी रूप में डालेंगे जिस रूप में बिरसा ने डालने का प्रयास किया। और